और रुख करेंगे हिमाचल एक्सप्रेस का। प्रधानमंत्री मोदी ने किया कीरतपुर सुंदरनगर फोरलेन का वर्चुअली उद्घाटन। प्रदेश सरकार और संगठन में समन्वय बनाने के लिए कांग्रेस की 6 सदस्य कमेटी का गठन। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम के अलावा 3 अन्य नाम शामिल। सीएम सुक्खू ने बागी विधायकों पर साधा निशाना, कहा विधायक विकास कार्यों को दरकिनार कर अपनी सेवा करवाने में व्यस्त। प्रदेश में जारी राजनीतिक हलचल के बीच मुख्यमंत्री सुक्खू ने बुलाई विधायक दल की बैठक, आगामी रणनीति पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार को घेरा, कहा कांग्रेस में मची अंतर्कलह। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी पर जताया आभार, कहा कीरतपुर सुंदरनगर फोर लेन के उद्घाटन से लोगों को मिलेगी बेहतर सुविधा। मंडी के टेहरा क्षेत्र में राष्ट्रीय बैंक की खोली गई शाखा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्षेत्र के लोगों को दी बधाई। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 4 सीटें जीतने का दावा किया। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने पैदल पुल पर किया उद्घाटन, दिव्यांगजनों और बुजुर्गों को मिलेगी राहत। विक्रमादित्य सिंह ने बागी विधायकों पर साधा निशाना, मुख्यमंत्री सुक्खू को दी सलाह, कहा बागी विधायकों के वापस आने का निकला वक्त, बागी विधायकों पर कार्रवाई करने की जरूरत। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर बागी विधायक सुधीर शर्मा ने बोला हमला, लिखा जो हमारे साथ थे अब वो एजेंसियों पर कस रहे तंज। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के बयान पर कसा तंज, कहा सीएम पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता, विधायकों और जनता से माफी मांगे सीएम सुक्खू। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बागी विधायकों पर दर्ज एफआईआर को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा बीजेपी को राज्यसभा में समर्थन देने पर विधायकों को किया जा रहा प्रताड़ित। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पांवटा साहिब को दी करोड़ों की सौगात। प्रदेश में सियासी बयानबाजी का दौर जारी, बीजेपी प्रवक्ता ने कहा बयानबाजी हिमाचल की संस्कृति के विरुद्ध। सुप्रीम कोर्ट में बागी विधायकों की याचिका पर कल होगी सुनवाई। हिमाचल में बागी विधायक चैतन्य शर्मा के पिता पर एफआईआर दर्ज, कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी और भुवनेश्वर गौड़ ने बालूगंज थाना में दर्ज कराई एफआईआर। बागी विधायक राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर बोला हमला, सोशल मीडिया के जरिए किया वार। सोलन में संकल्प पत्र सुझाव यात्रा की शुरुआत, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने वाहनों को दिखाई हरी झंडी। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर, मुस्लिम वोटरों को रिझाने में जुटी भारतीय जनता पार्टी। नालागढ़ में बाइक चोर गिरोह सक्रिय, 2 नकाबपोश चोरों ने बाइक चोरी की घटना को दिया अंजाम। पंडोह डैम के पास नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त, जल्द किया जाएगा हाईवे बहाल। मनाली के जाना गांव में स्नो मैराथन का हुआ आयोजन, देश विदेश के धावकों ने लिया भाग। प्रदेश में एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी के आसार जताए। बद्दी पुलिस की नशे के खिलाफ कार्रवाई, कार चालक से बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए जनता टीवी।